मैलचौक भारतीय स्टेट बैंक शाखा में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधरोपण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी राकेश यादव ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए सभी ब्रांचों की ओर से पौधरोपण किया जाए। पानी का संकट पृथ्वी की ओर मंडरा रहा है और वहीं उन्होंने बताया कि तेल की मात्रा भी कम होती जा रही है, इससे पृथ्वी पर काफी संकट पैदा होंगे। आगे आगे लोगों को पानी के लिए भी भटकना पड़ेगा। इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण रोकें और पौधे लगाएं, जिससे पृथ्वी पर पानी जैसे संकट से बचा जा सके। जैसा कि आज हम मना रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता में मैसेज जाए कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कितना लंबा खींच सकते हैं। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट हमने पढ़ी, उससे पता चला कि जिस स्पीड से नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यदि ये स्पीड ऐसे ही चलती रही तो आने वाले 30-40 साल में पृथ्वी पर पीने लायक पानी नहीं रहेगा, तेल हमारा पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा और जो कोयला के संसाधन हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब इस परिस्थिति में एक आम नागरिक को या बैंक जो हम हैं क्या भूमिका निभा सकते हैं, हमें पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, अपने आसपास के वातावरण को देखना पड़ेगा, वहाँ हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि जो अभी वातावरण गर्म हो रहा है उसमें हेल्प मिले। दूसरा, प्लास्टिक का यूज हम कम कर दें। बैंक भी इस एरिया में काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कम से कम जो पेपर यूज है वो कम यूज हो एंड उसका वेस्टेज भी कम हो ताकि पेड़ का बचाव हो। इस प्रकार आम जनता यदि आसपास भी अपने एनवायरनमेंट को देखेगी, थोड़ा बहुत भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, तो हम काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक सोसाइटी में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसमें हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली एनवायरनमेंट में ये काम नहीं कर सकती। एक आम नागरिक और हर को सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं हाउस होल्ड से ही शुरू करूँ तो मैं ये निश्चय करूँ कि मुझे अब प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। सपोज मेरा कचरा है उसको भी मैं घर से ही मैनेज करूँ, जो डिस्पोजेबल्स हैं जो रिसाइकलर हैं उनको एक तरफ करूँ और जो नॉन डिस्पोजेबल्स वेस्टेज है उसको दूसरे डस्टबिन में सेग्रीगेट घर से करूँ, तो जो ये कचरा मैनेजमेंट है इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और सब पेड़ वगैरह भी लगाने हैं। और आज जैसा कि हमारी ब्रांचेज जो हैं उन सबको इंस्ट्रक्शंस भी हमने दिया है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस आप मैसेज दें और एक मैसेज ये भी दें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने आसपास लगाएं, वाटर को कैसे मैक्सिमम सेव किया जा सकता है इसके टिप्स दें और पेपर्स के वेस्टेज वगैरह को कैसे हम कम करें इस पे भी ध्यान दें। इसके लिए हमने क्लियरली बोला है जहाँ भी पॉसिबल हो वो आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करिए। एक पेपर आपने सपोज एक साइड से प्रिंट किया, उसको ट्राई करिए कि दूसरी तरफ से भी उसका यूज किया जाए और एक ब्रांच कम से कम नहीं तो 15 से 20 पेड़ अपने आसपास के एरिया में लगाए ताकि इसको बाय एंड लार्ज हम कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। मैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो रीजन 1 है उसमें उसको देख रहा हूँ।